बच्चों सुप्रभात। कक्षा 9वीं में हिंदी में आए हम आज पढ़ेंगे व्याकरण से कुछ रिलेटेड अलंकार के प्रश्नोत्तर। अलंकार के प्रश्नोत्तर, अलंकार व्याकरण में, अलंकार में क्या क्या प्रश्नोत्तर है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसे आ सकते हैं आपको 9th क्लास देखिएगा। किस अलंकार में एक ही शब्द अनेक बार आता है किंतु भिन्न भिन्न अर्थ देता है, इसका आंसर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? यमक अलंकार में शब्द में अनेक बार भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। फिर है किस अलंकार में एक ही शब्द से अधिक अर्थ व्यक्त करता है, तो उसका उत्तर आएगा श्लेष अलंकार। पिछली कक्षा में हम अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपके सामने बताया जा रहा है। फिर है अलंकार का तात्पर्य क्या है, यानी अलंकार होता क्या है, तो उसमें से आपका उत्तर आएगा सौंदर्य वर्धक तत्व। फिर है किस अलंकार में उपमेय और उपमान मध्य भेद संबंध स्थापित होता है, तो आएगा रूपक। उपमा और उपमान यानी उसको बताया तो उसको उपमा दीजिए ना अलंकार के रूप में। फिर है किस अलंकार में जड़ या मानवीय तत्व पदार्थों में मानवीय गतिविधियां देखी जाती हैं, इसका उत्तर आएगा मानवीकरण। जिस व्यक्ति या वस्तु की समानता किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की वस्तु से की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। यानी किसी की प्रसिद्धता के बारे में वर्णन होता उसे उपमेय कहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में वस्तु से की जाती है। फिर है जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता दिखाकर किसी व्यक्ति वस्तु साथ उसका महत्व बढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमान। यानी किसी व्यक्ति से उसकी तारीफ करके वस्तु का महत्व बढ़ा दिया जाता तो उसे क्या कहते हैं? उपमान। फिर रूपक में उपमेय और उपमान के बीच क्या संबंध दिखाया जाता है? आरोप। आंसर क्या आएगा? तुलना स्पर्धा आरोप में वो आएगा उत्तर आरोप। निम्नलिखित का पंक्तियों में कौन सा अलंकार विमल वाणी ने ली, ये पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है, तो बताया गया है अनुप्रास। उत्तर क्या आएगा? अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। तो हमने क्या देखी अभी, वस्तु ने प्रश्न देखी कि कैसे हल करते अलंकार के बारे में आए हो। फिर है कुछ प्रश्न और है बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर, जैसे अलंकार किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी, तो अलंकार का तात्पर्य है आभूषण, जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार है। अलंकार काव्य में रमणीयता या चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्व को भी हम अलंकार कहते हैं, चमत्कृति अलंकार। क्या बोलते हैं? चमत्कृति अलंकार। इसको अलंकार को चमत्कृति अलंकार ही कहा गया। अलंकार की परिभाषा देखिए क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, अथवा शब्द और अर्थ के विशेष प्रयोग के कारण काव्य में जो चमत्कार या रमणीयता उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है? रमणीयता, उसे अलंकार कहते हैं। फिर है यमक और अनुप्रास अलंकार में क्या अंतर है, तो हम देखेंगे अंतर। यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है और अनुप्रास में वर्णों की, इसमें कहे की होती है शब्द बढ़ाती है और वर्ण यानी इसमें जो शब्द वर्ण किसको कहते हैं, हम कहते हैं आ ज्यादा आ बढ़ा दिए जाते, फिर आ और लगा दिया बड़ा, फिर छोटा, फिर इस टाइप से वर्णों का यमक में जितनी बार शब्द दोहराए जाएंगे उतनी बार उनका अर्थ अलग अलग हो जाएगा, है ना? जैसे बार बार बोलते कनक कनक है सौ भी, तो एक में कनक का अर्थ है आटा या कनक से है आटे से, और दूसरा यह कनक सोना, इस प्रकार से बताया गया है इसका, तो वर्णों की आवृत्ति से अर्थों में कोई भिन्नता नहीं आती।
की जाती, किंतु रूपक में उपमेय और उपमान का आरोप करके दोनों में अभेद स्थापित किया जाता है। जैसे दिया है पीपर पात सरिसमन डोला। तो क्या बताया यहाँ पर, यहाँ मन उपमेय तथा पीपर पात उपमान है और इसमें समानता की गई है तथा अतः उपमा अलंकार। चरण कमल बंदी अरराई, यहाँ उपमेय चरण में और उपमान कमल में आरोप कर दिया गया, यह रूपक अलंकार। फिर है प्रश्न चौथा, यमा को शेष में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताएं। तो आप उसका उत्तर लिख सकते हैं, जैसे यमा में एक शब्द दो प्रकार दो बार प्रयुक्त तो होता है, दोनों बार उसका भिन्न हो जाता है। जैसे कि वह सोने का हार हार गया, यहाँ पहले हार का अर्थ है माला और दूसरे का परास्त होना। श्लेष में एक ही शब्द दो भिन्न भिन्न अर्थ होते, जैसे कि मैं चाहे मन दे दूं परंतु तुम कुछ नहीं देते, यहाँ मन के अर्थ है हृदय से और 40 किलो। यहाँ श्लेष अलंकार। अब निम्न पंक्तियों को हम अलंकार पहचाने, जैसे कुटिल कुचल कुकर में छोड़ दे, इसमें आएगा अनुप्रास अलंकार। जब जीवन में जो चिर महान, इसमें आएगा अनुप्रास। फिर कंज कली नायिका लतान सिर अफारी, इसमें आएगा आपका रूपक अलंकार, क्योंकि ये कली और इसकी क्या कर रहा है प्रशंसा, रूपक इसके रूप को देख के प्रशंसा कर रहा। तीन वेद खाती थी, सो तीन से तीन बेर खाती थी, यानी तीन बेर बेर खाने वाला हो गया एक, और एक हो गया तीन बार खाना खाने वाला, तो ये दो बार आया, दो बार आए ना ये, तो यह क्या हो गया यमक। फिर ले जाओ साथ में तुझे कनक जो मुच्छू लेकर स्वर्ण जनक, इसमें आएगा उत्पेक्ष अलंकार। आप ऐसे ही काली घटा का घमंड घटा उत्पेक, इसमें आया आपका क्या यमा का नंबर। आगे ये सब बच्चे आपको पहचानने हैं और इसके अनुसार आपको हल